सोनपुर पुलिस ने NH-19 के आनंदपुर स्थित चेकपोस्ट के समीप वाहन जांच के सघन अभियान के दौरान 5 बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक जब्त किया है। साथ ही इसके चालक को भी गिरफ्तार किया है। जिले में बालू माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बालू के अवैध खनन और भारी वाहनों पर इसे ओवरलोड करके ले जाने में लगे बालू माफियाओं की नींद इन दिनों प्रशासन की कार्रवाई से उड़ी है। तो सोनपुर सोमवार को एक बार फिर से वाहन के सघन चेकिंग के दौरान 5 बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक जब्त किया गया। बालू के अवैध धंधे में लिप्त चालक को भी हिरासत में लिया गया। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया, ये सभी ओवरलोड ट्रक बिना चालान के थे। प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार सभी चालकों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। बता दें कि बिहार में धरल्ले से अवैध तरीके से बालू खनन का काम किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और वो बालू माफियाओं की धरपकड़ में जुट गई है। बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन ओवरलोड बालू ट्रक नहीं पकड़ा जा रहा हो। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि सोनपुर पुलिस ने ये बड़ी सफलता पाई है, जहां NH-19 के आनंदपुर स्थित चेक पोस्ट के समीप वाहन जांच के सघन अभियान के दौरान 5 बालू लदे ओवरलोड ट्रक जब्त किया, साथ ही इसके चालक को भी गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है पुलिस। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।